माय गॉर्जियस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई रियली होप आप सब अपने घरों पर एकदम सेफ और खूब मजे से होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही गॉर्जियस येट अफोर्डेबल कलेक्शन स्पेशली फॉर वेडिंग्स, जिसमें आपको काफी सारी वैरायटी देखने को मिलेगी। कलर ऑप्शन काफी सारे हैं और आज के हॉल में मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है कुर्ती, कुर्ता सेट्स विद दुपट्टा, लहंगा। सारे ही प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ही हैवी एम्ब्रॉयडरी एंड सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे एंड बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है, एकदम रेलिवेंट होने वाले हैं। आप इनको किसी भी वेडिंग ओकेजन या फिर फेस्टिवल पार्टीज में वेयर कर सकते हो, सुपर गॉर्जियस लग सकते हो। सारे ही प्रोडक्ट्स के जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेक कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लाइक और कमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे इस छोटे से चैनल की ग्रोथ के लिए। और अगर इसी तरीके की और अच्छी अच्छी हॉल वीडियोस या फिर फैशन से आप अपडेटेड रहना चाहते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी छोटी सी फैमिली को और भी बड़ा और स्ट्रांग बनाइएगा। अब चलिए जल्दी से चलते हैं और इसका प्यारा सा हॉल पिटारा चेक करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल गॉर्जियस कंप्लीट कुर्ता सेट। अगर हम कुर्ते की बात करें तो बहुत ही प्यारा सा कुछ इस तरीके से हमको विस्कोस सिल्क फैब्रिक में कुर्ता मिल जाएगा मरून शेड का। यहाँ पे हमको राउंड नेक मिल जाता है और आप योग पार्ट पे देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल वर्क हो रखा है। मल्टी कलर का एम्ब्रॉयडरी का वर्क और सीक्वेंस का वर्क आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एकदम नीट एंड क्लीन वर्क है। ये देखिए, ये सारे ही शेड्स जो हैं इस मरून कलर के ऊपर बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओवरऑल इसका जो योग पार्ट है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 3/4 हमको इसमें स्लीव्स मिल जाती हैं और यहाँ पे स्लीव्स के एंड पे हमको ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो है पैचवर्क मिल जाएगा अगेन, जिसमें आपको ये पूरा सीक्वेंस का और एम्ब्रॉयडरी का वर्क देखने को मिलता है। ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन वर्क है एंड ये काफ़ी न्यूट्रल टोन है, हर स्किन टोन पर जाने वाला शेड है। इसमें इस कलर के अलावा दो कलर ऑप्शन और हैं, मैंने यहाँ पर आपके साथ मरून कलर जो है वो शेयर किया है। इसके अलावा आपको इसमें येलो और आई थिंक दूसरा वाला जो है वो ब्लू कॉम्बिनेशन में है, तो आप वो भी उट कर सकते हैं, मैं उनके भी नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सो ओवरऑल इसका लुक कुछ ऐसा है एंड इस पूरे ही फैब्रिक में आपको बहुत ही एक सटल सी शाइन दिखने को मिलेगी। स्ट्रेट फिट का कुर्ता है, ट्रू टू द साइज है एंड नीचे ही आपको पूरा का पूरा जो है इसी तरीके से सॉलिड कलर का मिलने वाला है। नाउ इसके अंडरनीथ जो है गाइज, इन्होंने यहाँ पे इस तरीके की हमको लाइनिंग भी प्रोवाइड कर रखी है, जो कि इसमें पूरी अटैच हो रखी है, तो आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा एलिगेंट, सोबर एंड क्लासी लगता है ये पीस वेयर करने के बाद। बैक साइड पे आपको ये पूरा का पूरा इसी तरीके से सॉलिड कलर का मिल जाएगा। ये देखिए, कपड़ा इसका बहुत फाइन सॉफ्ट है एंड काफ़ी रिच लगता है वेयर करने के बाद। इसके साथ इन्होंने हमको प्रोवाइड करी है एक सेमी इलास्टिकेटेड पैंट, जो कि कुछ इस तरीके से है। आगे से ये बेल्टेड रहेगी एंड पीछे से ये इलास्टिकेटेड है, एकदम रेगुलर फिट है इसका। और नीचे जो है हल्का सा नैरो फिट हमको मिल जाता है इस तरीके की गोटा पट्टी वर्क के साथ। हल्का सा यहाँ साइड में जो है स्लिट भी प्रोवाइड कर रखा है, तो ये एक स्मार्ट लुक दे देता है आपके यू नो ओवरऑल पूरे ही गेटअप को काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी इसका जो फैब्रिक है वो सेम वो ही है जैसे कि हमारे कुर्ते का था। नाउ इसको और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देता है गाइस इसका बहुत प्यारा सा एक दुपट्टा, जो कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक में हमको मिलेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे हमको ये पूरा फ्लोरल प्रिंट देखने को मिलेगा। लेंथ और विड्थ जो है दुपट्टे की एकदम परफेक्ट है, पूरे ही चारों तरफ से हमको ये इस तरीके से पीको होके मिलता है, तो यहाँ पे कोई थ्रेड भी नहीं निकल रहा है। ये देखिए कुछ ऐसा है, ओवरऑल पूरा ये दुपट्टा आपको इसी तरीके से जो है फ्लोरल प्रिंट में देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुल लगता है ये पूरा सेट। इसके दुपट्टे का भी जो फैब्रिक है वो काफ़ी अच्छा सॉफ्ट वाला ऑर्गेन्जा है, तो आप इसको कम्फर्टेबली कैरी कर सकते हो। मेरी तरफ से 10/10 है वर्क वाइज, फैब्रिक वाइज एंड प्राइस वाइज, तो अगर आपको ये पसंद आता है आप डेफिनेटली इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पीस जो है गाइस, वही बहुत ही प्यारा सा अनारकली कुर्ता है, जो कि आपको टोटल 3 कलर्स में अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है हम सभी का फेवरेट येलो कलर, क्योंकि ये हल्दी मेहंदी के ओकेजन्स के लिए जो है बहुत अच्छा रहता है। पूजा वगैरह भी जब होती है घर पे तो भी आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो। इसका जो फैब्रिक है कुर्ते का वो है रेयॉन, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। राउंड नेक आपको इसमें मिल जाएगा फ्रंट पे एंड यहाँ पे जो है इन्होंने योग पार्ट पे आपको पैच वर्क दे रखा है, जिसमें ये पूरा सीक्वेंस का और ये मल्टी कलर का एम्ब्रॉयडरी का वर्क हो रखा है। ये देखिए, येलो और ऑरेंज केसरिया सा कलर है जिसमें आपको इसमें एम्ब्रॉयडरी मिलेगी एंड एकदम नीट एंड क्लीन वर्क है। इसमें भी आप देख सकते हो अंडरनीथ कुछ भी नहीं चुभेगा, क्योंकि ये पैच वर्क है, सब सारा काम जो है एकदम सिक्योर रहेगा और आप कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओवरऑल इसका लुक आ जाता है योग पार्ट का। 3/4 इसमें स्लीव्स रहेंगी ऐसी एंड स्लीव्स के एंड पे आपको दे रखा है ये गोटा पट्टी का वर्क। नाउ ये वाला जो आप प्रिंटिंग वर्क देख रहे हो ये पूरे ही कुर्ते पे मिलेगा, जो कि फैब्रिक प्रिंट है। सो ओवरऑल इसका लुक जो है कुछ इस तरीके से आ जाता है। नाउ ये जो है गाइस अनारकली कुर्ता है, ये आपको वेस्ट तक जो है एकदम परफेक्ट फिट आएगा एंड उसके बाद जो है ये कलीदार है। जैसे कि मैंने बोला, यही वाला प्रिंट आपको पूरे फैब्रिक में मिलेगा, आप
देख सकते हो नीचे तक ये पूरा ऐसे ही जाएगा। काफ़ी अच्छा खासा लंबा फ्लेयर है इसका, ये देखिए कुछ इतना इसका फ्लेयर आ जाता है। लेंथ वाइज भी काफ़ी अच्छा है। बाकी नीचे आपको ये वाला गोटा पट्टी का वर्क मिलेगा पूरे ही घेरे में आगे और पीछे। एंड बात करें अगर हम इसके बैक साइड की, तो बैक साइड पर आपको ये पूरा इसी प्रिंटिंग पैटर्न में मिल जाएगा, जैसे कि इसका फैब्रिक प्रिंट है। इसके साथ आई विल रियली सजेस्ट अगर आपके पास पीच कलर का या फिर यू नो फूशिया पिंक कलर का कोई बॉटम वेयर है, कोई स्कर्ट है या फिर यू नो प्लाजो है, तो आप वो इसके साथ पेयर अप कर सकते हो। काफ़ी ग्रेसफुल लगता है। ज्वेलरी तो इसके साथ कोई भी चली जाएगी, गोल्डन येलो पिंक कलर की सारी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। इन बजट है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, वर्क वाइज भी काफ़ी अच्छा है एंड परफेक्ट है इस वेडिंग एंड फेस्टिव सीजन के लिए, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट है गाइस एक कंप्लीट सेट अगेन जो कि बहुत प्यारा है, कुछ इस तरीके से हमको वाइन कलर में मिल जाएगा, पर्पल सा शेड है इसका कुछ ऐसे। सबसे पहले हम कुर्ता देखेंगे जो कि आपको मिलेगा विस्कॉस सिल्क फैब्रिक में। अगेन इसका जो फैब्रिक है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड रिच है। यहाँ पर हमको राउंड नेक मिल जाता है और आप देख सकते हो योक पार्ट पर पैच वर्क दे रखा है, जिसमें सिल्वर कलर का आपको ये पूरा हैवी जरी का जाल वर्क मिलेगा और सीक्वेंस का वर्क। ये देखिए एकदम नीट एंड क्लीन वर्क है। नीचे से आपको कुछ इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी मिलेगी, पैच वर्क है तो ये भी आपको अंडरनीथ नहीं चुभेगा। इन एनी वेज इसके नीचे जो है हमको लाइनिंग भी प्रोवाइड कर रखी है। ये देखिए ये लाइनिंग है पूरा का पूरा नीचे दे रखा है, जो कि टॉप टू बॉटम पूरे कुर्ते में ही जाएगा, मैं अभी आपको दिखा दूंगी। सो ओवरऑल इसकी लुक कुछ ऐसी आ जाती है। यहाँ पे आपको 3/4 स्लीव्स मिल जाएंगी या स्लीव्स के एंड पे आपको ये पूरा चौड़े वाला जो है पैच वर्क मिलेगा सेम वर्क के साथ, जिसमें पूरा जाल वर्क और सीक्वेंस का वर्क है। नाउ ये भी जो है गाइस काफ़ी न्यूट्रल कलर है, हर स्किन टोन पे जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, एकदम पार्टी वेयर लुक देता है आपको। एंड पूरे ही फैब्रिक पे जैसे कि विस्कॉस सिल्क बोला मैंने, इसमें आपको शाइन दिखने को मिलेगी। ट्रू टू द साइज है, पूरा स्ट्रेट फिट का कुर्ता। ये देखिए नीचे एकदम सॉलिड कलर में रहेगा एंड आप देख सकते हो नीचे भी इसमें जो है पूरी लाइनिंग इसमें इन्होंने अटैच करके दे रखी है, तो ये बिल्कुल भी सरकेगी नहीं, आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो। बैक साइड आपको इसमें एकदम प्लेन मिलने वाली है इसी तरीके से पर्पल कलर में। ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है ये भी वेयर करने पर। के साथ गाइस इन्होंने हमको दे रखी है एक फुली इलास्टिकेटेड पैंट जो कि कुछ इस तरीके से है, सेम कलर और फैब्रिक में आपको मिल जाएगी। एकदम रेगुलर फिट है इसका और नीचे से बहुत ही हल्का सा नैरो फिट है, जिसमें आपको ये वाला पूरा पैच वर्क मिल जाएगा जैसे कि इसकी स्लीव्स में हो रखा था। सो ओवरऑल ये काफी ज्यादा यू नो एक हैवी सी लुक दे देता है, एकदम परफेक्ट है पार्टीज या फिर वेडिंग में वेयर करने के लिए एंड ये काफी ग्रेसफुल भी लगता है। हमको जो दुपट्टा मिलता है वो शिफॉन फैब्रिक का है, ये देखिए कुछ इस तरीके से सेम उसी शेड का रहेगा, बस इसके साइड पे जो है इन्होंने चारों तरफ से हमको ये वाला गोल्डन कलर का जो है लेस डिटेलिंग दे रखा है। ये देखिए इसकी लेंथ में और विड्थ में दोनों ही तरफ, चारों ही तरफ आपको यही वाला लेस डिटेलिंग मिल जाता है। काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है ये भी वेयर करने के बाद एंड इसका फैब्रिक भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए शिफॉन फैब्रिक का है एंड काफी ज्यादा सॉफ्ट है। ओवरऑल वेरी डिसेंट परचेज इन बजट है, तो अगर आप कुछ इस तरीके का यू नो देख रहे हो, एक सटल सा लुक भी दे बट रॉयल एंड रिच भी लगे वेयर करने के बाद, तो आप कुछ ऐसा कुर्ता सेट जो है नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगी। शो स्टॉपर आज के हॉल वीडियो का जो कि है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लहंगा। इन टोटल आपको 8 to 9 कलर ऑप्शंस में मिल जाता है, जिसमें कि उन्होंने पिंक के शेड्स रखे हैं, ग्रीन, ग्रे, ब्लू एंड पीच के शेड्स हैं। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, आई मीन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस मुझे ये रिसीव हुआ है। तो मैंने इसमें ले लिया है डार्क पीच कलर, इसमें आपको एक लाइट पीच कलर भी मिलता है, तो पीच के भी उसमें वेरिएबल्स हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये जो लहंगा है ना ये हमको नेट फैब्रिक में मिलेगा। ये देखिए कुछ ऐसा इसका वेस्ट लाइन है, वेस्ट में आपको ये बेल्ट मिल जाएगी, कुछ ऐसा वर्क है इसमें, पूरा थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हो रखा है और साथ में आपको हैवी सीक्वेंस का वर्क मिलेगा। इसकी वेस्ट जो है गाइस आपकी 38 वेस्ट तक ईजिली चली जाएगी। बाकी इसके जो एग्जैक्ट मेजरमेंट्स हैं ये जो है सेमी स्टिच्ड मिलता है, तो इसके जो एग्जैक्ट मेजरमेंट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पे वीडियो ऑन स्क्रीन लगा दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ऐसी इसकी बेल्ट रहेगी एंड आप नीचे देख सकते हो कितना ज़्यादा हैवी वर्क है पूरे ही लहंगे पे। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, कुछ ऐसा आपको पूरा भरा हुआ इसमें जो है थ्रेड एम्ब्रॉयडरी का वर्क और सीक्वेंस का वर्क देखने को मिल जाएगा। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स इन्होंने इसमें बना रखे हैं एंड ये बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लग रहा है। ओवरऑल अगर मैं आपको इसको दिखाऊं
तो ये कुछ ऐसा लगता है, ये देखिए पूरा वर्क जो है इस लहंगे का कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अंडरनीथ इसमें जो है आपको पूरी लाइनिंग इन्होंने स्टिच करके दे रखी है, ये देखिए ऐसी। एंड यहाँ पे जो है इन्होंने पूरा बेलक्रो कुछ इस तरीके से जो है इसको पैडेड बना रखा है, तो ये ना काफ़ी अच्छा सा एक फ्लो दे देता है, एक फ्लेयर दे देता है आपके लहंगे को, बहुत प्रिटी लगता है। मैंने इसको जस्ट ऐसे ही आपको यू नो वेयर करके दिखाया है, एंड आई होप कि आपको एक यू नो रफ आइडिया हो जाएगा कि ये स्टिच करने के बाद कैसा लगेगा। सो ओवरऑल पूरा लहंगा ऐसा है, बहुत ज़्यादा प्रिटी एंड ग्रेसफुल है, एंड इसके सारे ही कलर्स बहुत प्रिटी हैं। बैक साइड पे भी आप देख सकते हो पूरा हैवी वर्क यही वाला आपको दे रखा है यहाँ पे, एकदम क्लीन वर्क है गाइस, सीरियसली ये देखिए बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन वर्क है, बहुत सॉफ्ट है। ये पूरा सीक्वेंस जो है इसमें स्टिच हो रखा है, कुछ भी निकलने वाला नहीं है, तो आप इसको आराम से पहन सकते हो। मैं इसका बैक साइड आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये है इसका बैक साइड, बहुत ही ज़्यादा क्लियर काम है, चाहे इसका फ्रंट हो या फिर बैक, एकदम टोटल पैसा वसूल जो है ना वो है ये लहंगा। तो इस वेडिंग सीजन में आप यू नो कुछ भी लहंगा अगर देख रहे हो ना तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसके साथ हमको मिल जाता है दुपट्टा जो कि पीच कलर का ही रहेगा, नेट फैब्रिक में है, लेंथ और विड्थ इसकी एकदम परफेक्ट आई है। यहाँ पे दुपट्टे के चारों ही कॉर्नर्स पे आपको ये वाला पैच वर्क मिल जाएगा जिसमें कि थ्रेड एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस का वर्क है, ये देखिए कुछ ऐसे। बीच में ये एकदम प्लेन रहेगा, ये देखिए पूरा का पूरा दुपट्टा जो है कुछ ऐसे है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फाइन फैब्रिक में है ये वाला। इसके साथ हमको जो ब्लाउज पीस मिल जाता है वो कुछ इस तरीके का है, एक सेकंड मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, ये देखिए कुछ ऐसे इसका फ्रंट और बैक हमको दे रखा है जिसमें कि पूरा का पूरा सीक्वेंस का वर्क हो रखा है एकदम इसके लहंगे की तरह। ये देखिए मैं पास से दिखा देती हूँ आपको, ये पूरा इसका ब्लाउज पीस है, यहाँ पे कुछ ऐसा वर्क रहेगा फ्रंट में भी और बैक का भी जो दे रखा है आपको सेम यही वर्क है। बाकी इसकी स्लीव्स के लिए आपको यहाँ पे साइड पे इन्होंने ये पैच दे रखा है जिसको आप अपनी स्लीव्स में लगा सकते हो। एकदम कंप्लीट है इसका कपड़ा भी जो है ब्लाउज का, और इसके अंडरनीथ इन्होंने ये लाइनिंग प्रोवाइड करा रखी है, तो आपको अलग से लाइनिंग में कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। एंड ओवरऑल बन के ये बहुत प्यारा लगने वाला है, तो अगर कुछ इस वेडिंग सीजन में या फिर अपनी यू नो किसी पार्टीज वगैरह के लिए आप कुछ लहंगा सर्च कर रहे हो, एक बार इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा। मेरी तरफ से ये 100% हाईली रिकमेंडेड। नेक्स्ट गाइस आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही डिसेंट सा कुर्ता जो कि मैंने एज अ ऑफिस वेयर लिया है, आप इसको ऑफिस में या फिर कॉलेज में या फिर डेली वेयर की तरह यूज कर सकते हो। मैक्स ब्रांड का है एंड ये उनका लेटेस्ट एडिशन है, कुछ इस तरीके से चॉकलेट ब्राउन यू नो मट ब्राउन कलर होता है उसमें आपको मिल जाएगा ये रेयन फैब्रिक में, राउंड नेक है इसका, एंड यहाँ पे साइड पे आप देख सकते हो ये वाला जो पूरा एम्ब्रॉयडरी का वर्क है कुछ ऐसे ही जाएगा ये इसके साइड में, ये देखिए ऐसे काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगता है, एंड यू नो बहुत ही डिसेंट लगता है। आप इसको चाहे तो ट्राउजर्स के साथ पहनिए, जीन्स के साथ या फिर पैंट्स के साथ, काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें एकदम आपको ये ना 3/4 स्लीव्स मिल जाएंगी जो कि एकदम प्लेन है, एंड बैक साइड पे भी आपको एकदम प्लेन मिलेगा कुर्ता। एंड ये जो है गाइस स्ट्रेट फिट का कुर्ता है, ट्रू टू द साइज, वेयर करने पर काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगता है। तो अगर आप कुछ यू नो इन बजट आने वाली गर्मियों में कुछ देख रहे हो तो मैक्स को चेकआउट कर सकते हो, उसमें अफोर्डेबल प्राइस में आपको काफ़ी सारी कुर्तीज मिल जाती है। सो गाइस नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगी कुछ रैंडम ज्वेलरी जो कि इस वेडिंग सीजन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, आई मीन मस्ट हैव है। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्यूटीफुल से बैंगल जो कि 4 के सेट में आ जाते हैं, इसमें पूरा ये कुंदन का वर्क हो रखा है एंड इसमें अलग अलग साइजेस अवेलेबल हैं, तो आप अपने यू नो हाथ के साइज के हिसाब से परचेज कर सकते हो। 2.8 तक है आई थिंक वहाँ पे जो साइज अवेलेबल है, अंदर से जो है इनर साइड से ही आपको पूरा गोल्डन टच में मिलेगा एंड काफ़ी ज़्यादा यू नो सॉफ्ट है पूरा का पूरा, ये बिल्कुल भी हार्श नहीं है, आपको चुभेगा नहीं, और आप क्वालिटी देख सकते हो इसकी जो है काफ़ी अच्छी है, ये देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हमको ये मिल जाता है। एंड ये आई थिंक समवेयर अराउंड 250 या 289 कुछ का है, आई मीन अंडर 300 है, तो मेरी तरफ से तो गाइस ये स्टील डील है, ये वेयर करके बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हैं। इनको अपने एथनिक वेयर्स के साथ आई मीन आपकी यू नो कुर्ती है या फिर लहंगा है, साड़ी है, या फिर अपनी और यू नो प्लेन बैंगल्स के साथ पेयर अप करके पहन सकते हो, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, ये देखिए पहन के काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं, तो मेरी तरफ से ये यू नो आई थिंक मस्ट हैव है, आपके पास ये होना ही चाहिए। अगर आप चूड़ियाँ वगैरह यू नो पहनना पसंद नहीं करते तो जस्ट सिंपल से ये वाले आप कड़े वेयर कर लीजिए अपने एथनिक वेयर के साथ एंड यू विल लुक सुपर। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्यूटीफुल सा नेकलेस जो कि आप लोग मुझे बहुत बार पूछते हो, पूरा का पूरा ये बहुत अच्छी क्वालिटी की आपको पर्ल में मिल जाएगा, मल्टी स्ट्रैंड्स हैं इसमें एंड अलग अलग साइज के जो है इसमें पर्ल इन्होंने यूज़ किया है, देखिए सबसे बड़ा साइज का पर्ल है, देन उसके बाद इन्होंने ये मीडियम साइज का पर्ल स्ट्रैंड लिया है, उसके बाद ये उससे छोटा एंड देन इस तरीके के सबसे छोटे पर्ल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे स्ट्रैंड
हैंड्स हैं एंड ये बहुत प्रिटी लगता है। पीछे से जो है इसमें आपको बांधने के लिए ना कुछ इस तरीके का हुक दे रखा है, तो आप इसको ऐसे टक कर सकते हो एंड ये बहुत प्यारा लगता है आपके एथनिक वेयर के साथ, आपकी कॉटन साड़ीज के साथ या फिर आपके वेस्टर्न वेयर के साथ ईजिली परफेक्टली जाएगा एंड ये बहुत ग्रेसफुल लगता है। क्वालिटी जो है इसके पर्ल की काफ़ी अच्छी है एंड ये भी जो है हमको अंडर 300 मिल जाता है, काफ़ी रीजनेबल है एंड यहाँ आप इसको डेफिनेटली ट्राई करके देखिएगा। मैं तो इनको जब भी यू नो कॉटन साड़ीज के साथ वेयर किया है आप लोगों को बहुत पसंद आया है और मुझे हर बार कमेंट आते हैं, तो मैंने सोचा कि अगर आपने अभी तक मिस कर दिया है तो आपके साथ ये ज़रूर शेयर करना चाहिए ताकि आप इसको मिस ना कर दो इससे पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो अगर कुछ इस तरीके का आपको पर्ल नेकलेस चाहिए तो ये बहुत ही डिसेंट पीस होने वाला है, आप इसको डेफिनेटली ट्राई करके देख सकते हो। नेक्स्ट जो है गाइस वो ये ब्यूटीफुल सी यू नो रिंग है जो कि एडजस्टेबल है, आप देख सकते हो इसी तरीके से पूरी ऑक्सीडाइज है जिसमें आपको ये मीनाकारी का वर्क देखने को मिलेगा, ब्लू कलर का एंड रेड कलर का इसमें पूरा वर्क हो रखा है। एंड गाइस मैंने जितनी बार भी पहनी आप लोगों ने मुझे बहुत बार पूछा है कि ब्यूटीफुल सी रिंग आपने कहाँ से ली है, क्योंकि ज़्यादातर इस तरीके की जो यू नो कलरफुल ऑक्सीडाइज रिंग होती है हमको देखना बहुत ही मुश्किल होती है, तो ये जो है बहुत ही ब्यूटीफुल सी है जिसमें आपको ये ब्लू कलर सिल्वर एंड रेड का टच देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हो ये एडजस्ट स्टेबल है, पीछे से भी काफी सॉफ्ट है, मीडियम साइज की है ये रिंग, तो आपका हाथ यू नो चाहे पतला हो या भारी हो काफी अच्छे से आप इसको वेयर कर सकते हो एंड ये बहुत ज्यादा प्रिटी लगती है। क्वालिटी इज रियली वेरी नाइस एंड ये बहुत अफोर्डेबल भी है, तो अगर कुछ इस तरीके की है ना कोई डिफरेंट सी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वेयर करनी पसंद है तो ये रिंग लेना मस्ट है आप लोगों के लिए। इसका लिंक भी मैंने नीचे प्रोवाइड कर दिया है तो आप जरूर चेकआउट। आई होप गाइस कि आज का वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। सारे ही प्रोडक्ट्स 10/10 है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। कुछ इसी तरीके की और पार्टी वेयर या फिर वेडिंग से रिलेटेड अगर आपके कोई सजेशंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक मैं लाती हूँ नेक्स्ट हॉल वीडियो, तब तक अपना और अपनी फैमिली का खूब सारा ध्यान रखिए। टिल देन स्टे सेफ एंड बी ब्लेस्ड। सी यू।